हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपके क्वेश्चंस के ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चंस है आपका ये कि फाइनल आंसर की कब तक जारी होगा, एंड क्या फाइनल आंसर की के साथ सेकंड लिस्ट जारी होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको कह रहा होगा कि फाइनल आंसर की के साथ सेकेंड लिस्ट भी जारी होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। एंड तीसरा पॉइंट ये है स्कोर कार्ड को लेकर, उसके लिए भी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहना मेरे वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो। बिना सब्सक्राइब देखे, सब्सक्राइब किए हुए ही आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलो, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि फाइनल आंसर की कब तक जारी होगा। तो आज का ही डेट दिया हुआ था फाइनल आंसर की का, तो आज ही जारी किया जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है बीएसएससी जीडी को लेकर, चाहे किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी वैकेंसी को लेकर, एसएससी के ऊपर जो नोटिफिकेशन आता है वो इवनिंग के टाइम में ही आता है। तो 4 बजे के बाद जो आपका कभी भी आंसर की जारी हो सकता है। एंड दूसरा सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोग का है, जो लोग नॉन क्वालिफाइड हो चुके हैं आपके रिटन एग्जाम में, तो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या सेकेंड लिस्ट जारी होगा फाइनल आंसर की के साथ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे अभी फिलहाल, जो जो कि बता रहे हैं कि आपके फाइनल आंसर की के साथ सेकेंड लिस्ट भी जारी होगा। तो गाइज, मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आंसर की सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनल आंसर की जारी होगा, सेकेंड लिस्ट का कोई वो रोल नहीं है अभी फाइनल आंसर की के ऊपर, ठीक है? अब सेकेंड लिस्ट जारी कब हो सकता है इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ, जो कि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है? ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए आपके सेकेंड लिस्ट को लेकर। तो जो भी माइंड में ये रखे हो कि आज फाइनल आंसर की के साथ सेकंड लिस्ट जारी होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आंसर की सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर की ही बात किया है, ना कि कोई सेकंड लिस्ट की बात की है आपके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में, ठीक है? तो ये बात हो गई। एंड तीसरा बात आपका ये है कि स्कोर कार्ड को लेकर क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखो गाइज, अभी तक बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद ही होगा, लेकिन अपना एसएससी का वेबसाइट का पासवर्ड भूल गया होगा, सब कुछ भूल गया होगा कि यार कैसे मैं लॉगिन करूं, क्योंकि बिना लॉगिन किए हुए आप लोग स्कोर कार्ड चेक नहीं कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको आपके पास तो होगा ही मेरे ख्याल से, लेकिन पासवर्ड बहुत लोग भूल गए होंगे। तो गाइज, एक बात ध्यान लो कि अभी तक अभी आपके पास मौका है, टाइम तो ऐसे वैसे भी रहेगा, लेकिन फिर भी, क्योंकि जिस दिन आपका स्कोर कार्ड जारी होगा उस दिन काफ़ी हैवी ट्रैफिक होगा आपके एसएससी वेबसाइट पे, तो मे बी एसएससी का वेबसाइट क्रैश कर सकता है। तो इसीलिए गाइज, उससे पहले आप लोग अगर पासवर्ड याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भाई आप लोग फॉरगेट करके उसको रिकवर कर लो, ठीक है? तो अब इंतज़ार है बस फाइनल आंसर की का, तो आप लोग वेट करो, ओके? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।